हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस के सीरीज़ में सीरीज़ नंबर 7। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की जिसकी संभावना बहुत है। और दोस्तों, इस लेसन में आपको ऐसे क्वेश्चंस डील करवाए जा रहे हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपसे ये नर्म निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और हमारे साथ आगे चलें। गाइस, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @onlinecrackexams पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात आती है अब क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण का। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राइट आंसर इज PM यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, एंजियोस्पर्म में किस कुल से गन्ना का संबंध है? सही उत्तर है दोस्तों ग्रेमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को या महिला को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज अमाजू। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज एम्स्टर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर इज तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 7, सेन पर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स यह पुस्तक को किसने लिखी है, या फिर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इज शेन वाने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 1970 और 71 में। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है, या किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अनार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1979 में। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्रपति यह कहना चाहता है किसी बात पर मंत्रिपरिषद को विचार को, तो इसकी सूचना दे सकता है, किसे दे सकता है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गैस का अनुभार उसके भाप का या फिर उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? सही उत्तर है दुगना। क्वेश्चन नंबर 14, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 15, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था किस वर्ष की गई है? तो 1947 में। क्वेश्चन नंबर 16, कोटोपैसी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर इज लियोवेन हुक ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिस के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो मिनहाज उस सिफारिशों को। क्वेश्चन नंबर 20, माननीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज जिनेवा। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह के वीडियोस और इस तरह के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इनमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और पुराने के वीडियोस देखने के लिए आप इस लिंक्स का सहारा ले सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह से आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।